यूपी में मौसम विभाग का अलर्ट हुआ है, जहां अगले 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मौसम करवट लेगा। पूर्वी और पश्चिमी यूपी की बात करें तो कई हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती है, वहीं तेज हवाओं के साथ बारिश का भी अनुमान है। यूपी के कई हिस्सों में मौसम बदलने वाला है, मौसम का मिजाज बदलेगा, करवट लेगा मौसम, और इसको लेकर खुद मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कुछ हिस्सों को लेकर। पूर्वी की बात करें या पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ पर कुछ खास ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर गहरा असर देखने को मिल सकता है, तेज हवाएं चलने का अनुमान है, तो साथ ही भारी बारिश भी हो सकती है। प्रशासन और सरकार खुद इस अलर्ट को लेकर सतर्क हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले भी इसका आंधी ने काफी नुकसान यहाँ पर किया था। अरुण चतुर्वेदी फिलहाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अरुण, कुछ वक्त पहले भी यहां पर एक तूफान देखा, आगरा की कुछ तस्वीरें देखी, कई और जगहों की तस्वीरें देखी कि किस तरह का कहर वहां पर देखने को मिला, लेकिन अब एक और यहां पर अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि अगले 3 दिन बेहद यहां पर चिंताजनक हो सकते हैं। जी देखिए, मैं आपको बता दें कि जैसे पूर्वी उत्तर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है कि अगले 3 दिन तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके पहले भी लगातार मौसम विभाग अलर्ट कर चुका है कि इसके पहले जो और राज्य हैं, आगरा, कानपुर और जो क्षेत्रों में जहां पर तेज बारिश के कुछ दिन पहले काफी बारिश आई थी जिससे कई नुकसान हुआ था, इस वजह से मुख्यमंत्री जी बैठक ली है। बैठक में भी अलर्ट जारी कर रखा है कि मौसम विभाग को पहले से अलर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आकाशीय बिजली है उससे काफी नुकसान होता है लोगों को, उससे जाते क्षति पहुंचती, कई लोगों की मौत भी होती है आकाशीय बिजली से, तो उससे पहले से मौसम विभाग अलर्ट करेगा कि आकाशीय बिजली और इस तरह से मौसम खराब होने को लोगों को अलर्ट करे, इस तरह से पहले से अलर्ट करेगा, लोग घरों में रहें और उससे जान मान की हान की नुकसान ज्यादा ना हो। इस वजह से मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है कि लोग सतर्क रहें, और इस वजह से अगले तीन दिन जो है वो तेज हवाओं के साथ आंधी के साथ बरसात होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और अलर्ट कर रखा है कि लोग जो आवश्यक कार्य है वो निपटा लें, 3 दिन तक जो ज्यादा तेज हवाओं के साथ बारिश होने वाली है तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों में रहें, क्योंकि आकाशीय बिजली की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है कि वो भी गिर सकती है। फिलहाल जिससे मौसम से जो नुकसान हुआ है लोगों को, आकाशीय बिजली से नुकसान, जो लोगों की मौतें हुई है, मुख्यमंत्री ने उस मृतक के परिवार को भी राहत देने का काम किया है, 4 लाख रुपए काम किया मुख्यमंत्री जी। यहाँ पर आ सकती है मौसम जिस तरह से करवट लेने वाला है, उसके बाद एक बार फिर से अलर्ट यहाँ पर लोगों को किया गया है, निर्देश साफ तौर पर दे दिए गए हैं। चलिए, धन्यवाद आपका अरुण हमारे जुड़ने के लिए।